तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कैसे मैं मुंबई से गोवा बाय ट्रेन आया था और कोंकण रेलवे के बारे में मैंने बताया था। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकते हो और गोवा घूम सकते हो, वो भी एकदम सस्ते में और एकदम रीजनेबल रेट में। तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे आप लोगों को एक ब्रिज भी दिखेगा जिसका नाम है न्यू जुआरी ब्रिज। इस ब्रिज को लोगों ने इंस्टाग्राम पे बहुत ही फेमस कर दिया था। द कॉर्पोरेशन हैज अ टोटल ऑफ 16 बस स्टैंड्स इन गोवा, पंजी बस स्टैंड, मडगांव बस स्टैंड, पौंडा बस स्टैंड, वास्को बस स्टैंड। फ्रेंड्स, लोकल बसेस में आपको टिकट्स नहीं खरीदने पड़ते, आपको डायरेक्ट कंडक्टर को पैसे देने होते हैं। और अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे आप लोग बस की टाइमिंग्स जान सकते हो, कैसे आप लोगों को पता चलेगा कि कौन सी बस कहाँ जाती है। और ये है टैक्सी के रेट्स। काम नहीं कर कैसा लगा आपको? ये अभी तक हंसी रही है, बिना पिए चढ़ गई। बेनिस प्लेस, वाह यार। अभी लंच करने के लिए हम लोग रुके अशोका होटल में। अगर आप लोगों को फुल वीडियो देखना है लंच का, तो मैं होटल का एक वीडियो बनाने वाला हूँ, वो पूरा चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो अभी चलते हैं, यहाँ पे लंच करते हैं। सो अब लंच करके हो गया और हम लोग निकल चुके हैं हम लोग के फर्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। तो चलिए लेट्स गो। ये बस वाले ड्राइवर ने हमें बताया कि इस साइड जाने के लिए, तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एंड यहाँ से क्रॉस करके आप लोगों को जाना है। वैसे तो मैंने पहले भी यहाँ से बस पकड़ी थी। ये जो गार्डन है, यहाँ से आप लोगों को क्रॉस करके जाना है। अब ये गार्डन आ चुका है और यहाँ से हम लोगों को लेफ्ट लेना है। अगर आप लोगों ने मेरा पहले वाला एक मडगांव का वीडियो देखा रहेगा तो आप लोगों को याद होगा कि यहीं से मैं आ रहा था और यहाँ से मैंने वीडियो निकाला था और वहाँ पे डोम पेट्रोस में नाश्ता भी किया था। और फिर उसी वीडियो में मैं यहाँ से उस साइड गया था और वहाँ से बस पकड़ी थी मडगांव बस स्टैंड के लिए। तो मैं इस जगह का लोकेशन भी डाल दूंगा, गूगल मैप का लिंक, आप लोग वहाँ से क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो कि ये लोकेशन कहाँ पर है और इजीली पहुँच सकते हो मडगांव बस स्टैंड। सो आप लोग देख सकते हो वहाँ से एक बस आ रही है, दो बसेस आ रही है। अब देखते हैं उसमें से कौन सी बस जाएगी मडगांव बस स्टैंड। मडगांव बस स्टैंड है, हाँ चला चला मडगांव बस स्टैंड फाइनली। ये बस है, लोगों को लेके जाएगी। बस अब पहुंच रहे हैं हम लोग मडगांव बस स्टैंड। ठीक है सर, अट्ठे ये देखो ऐसा हाल हो जाता है गोरे लोगों का। उतर चुके हम लोग मडगांव बस स्टैंड, द वर्ल्ड फेमस। अब यहाँ से हम लोगों को पंजीम के लिए बस चाहिए, जो ऐसी एसी वाली बस होती है ना, वो 50 रुपये में लेके जाएगी, ओनली 50 रुपीज़। तो सही है यार, 50 रुपीज़ में और क्या चाहिए, डायरेक्ट आप लोग एसी बस में और विदाउट एनी स्टॉप सा डायरेक्टली पहुँचाती है सिर्फ 50 रुपये में मडगांव बस स्टैंड से पंजीम बस स्टैंड। तो चलिए चलते हैं। ये है वो बस। बस के पीछे ही आपको मिल जाएगा टिकट काउंटर, जहाँ से आपको एसी बस की टिकट मिल जाएगी पंजीम बस स्टैंड के लिए। टिकट ले ली है, 50 रुपये हुआ है पर पर्सन का। और ये है वो एसी बस जो हमें ले जाएगी डायरेक्ट पंजीम मडगांव बस स्टैंड से। फुल्ली एयर कंडीशन बस है और इसको मैं खोलता हूँ। वाव, तो बस निकल चुकी है और अब ये एक भी स्टॉप नहीं रुकेगी, डायरेक्ट रुकेगी पंजीम बस स्टैंड। यही खास बात है बस की, ये डायरेक्ट हमें पहुंचा देगी पंजीम बस स्टैंड विदाउट एनी स्टॉप्स। तो चलिए अब चलते हैं पंजीम बस स्टैंड। 2:46 हो रहे हैं, अब देखते हैं कितने बजे तक ये बस हमें पहुंचाती है पंजीम बस स्टैंड। मडगांव से ओल्ड गोवा जाने का रास्ता बहुत ही अमेजिंग है, दोनों तरफ आपको दिखेंगे नारियल के पेड़, सच में दिस बस रॉक्स। ओल्ड गोवा से मडगांव जाने का रास्ता बहुत ही स्मूथ है, जरा भी आपको खड्डे यहाँ पे नहीं मिलेंगे। और यहाँ पे आप लोगों को एक ब्रिज भी दिखेगा जिसका नाम है न्यू जुआरी ब्रिज, विच इज ऑफ 640 मीटर्स। ये पूरा रास्ता बहुत ही नया है और इसका लेंथ है 13.20 किलोमीटर और इस पूरे प्रोजेक्ट का खर्चा आया है 2,530 करोड़ रुपीज। इस हाईवे का नाम है मडगांव पंजी नेशनल हाईवे और ये न्यू जुआरी ब्रिज जो है इसका इनॉग्रेशन हुआ था 30 दिसंबर 2022 को। इस ब्रिज को लोगों ने इंस्टाग्राम पे बहुत ही फेमस कर दिया था, लोग यहाँ पे उतर उतर के
सेल्फीज ले रहे थे। बट फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे उतरना सेफ नहीं है बिकॉज गाड़ियां बहुत तेजी से आती है, इसलिए आप लोग आपके कार से ही या फिर बस से ही इस ब्रिज को एंजॉय कीजिए जाते जाते। और जिस बस से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो KTCL की बस है, कदम्बा ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। KTCL के बारे में भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सो फ्रेंड्स नाउ लेट्स टॉक अबाउट द KTCL। द KTCL इज ऑल्सो नोन एज द कदम्बा ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सो द कदम्बा ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज अ स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1980 अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 with the objective to provide safe, reliable, comfortable, punctual, effective and efficient passenger transport to the travelling public. The KTCL has both intrastate and intercity bus services to Maharashtra, Karnataka and Telangana route. The Kadamba Transport Corporation operates 304 routes by its fleet through Volvo, luxury, semi-luxury and electric AC buses. You can go to the ticket counter and book the tickets directly. Even you can go to their website and book the tickets online as well as on phone call. The KTCL operates shuttle services known as point-to-point buses connecting major commercial towns like Panji, Madgaon, Vasco, Mapsa, Ponda, Karcharim, Sankilim, etc. The corporation has a total of 16 bus stands in Goa: Panji bus stand, Madgaon bus stand, Ponda bus stand, Vasco bus stand, Marcella bus stand, Mapsa bus stand, Sankilim bus stand, Bicholim bus stand, Asnora bus stand, Honda bus stand, Kankulim bus stand, Kankon bus stand, Shiroda bus stand, Pednem bus stand, Walpoi bus stand and Karcharim bus stand. The corporation has a fleet strength of 498 buses and 50 AC electrical buses. Also, for the local buses, the minimum fare starts from 10 rupees and 50 rupees for the electrical buses. तो फ्रेंड्स पहुंच चुके हम लोग पंजिम बस स्टैंड, वो भी सिर्फ 35 मिनट्स में। तो फ्रेंड्स अभी पंजिम बस स्टैंड से हम लोग जाने वाले ओल्ड गोवा, क्योंकि ओल्ड गोवा में हम लोग विजिट करने वाले बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च। तो यहाँ से आप लोग अगर बस पकड़ोगे तो बहुत सस्ते में पहुंच जाओ। तो अब ये बस हमें लेकर जाएगी ओल्ड गोवा। तो फ्रेंड्स लोकल बसेस में आपको टिकट्स नहीं खरीदने पड़ते, आपको डायरेक्ट कंडक्टर को पैसे देने होते और वो लोग आपको उतार देते आपके स्टॉप पे। पंजिम बस स्टैंड से आपको नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा, ओल्ड गोवा हर जगह की बस मिल जाएगी। और अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी हो बस के लिए तो आप लोग किसी से भी पूछ सकते हो। आपको इवन बस कंडक्टर्स भी दिख जाएंगे बस स्टॉप्स का नाम चिल्लाते हुए। तो अभी बस ने हम लोग को उतारा और डैड कितना लिया बस ने पर पर्सन? 20 रुपीज़ पर हेड। सही है ना, सस्ते में हम लोग पहुंच गए 20 रुपीज़ पर पर्सन में। तो चलिए अब चलते ओल्ड गोवा चर्चेस के दर्शन करते, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग एसी के बस की टाइमिंग जान सकते हो, लोकल बस की टाइमिंग्स जान सकते हो, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए एंड तक देखना इस वीडियो को। इस एरिया में हम लोग को एक आर्टिस्ट भी दिख गया जो कि स्टैचू के कॉस्ट्यूम में खड़ा था। तो पहुंच चुके हम लोग ओल्ड गोवा चर्च। अंदर कैमरा लेके जाना अलाउड नहीं, इसलिए अंदर शूट नहीं कर पाऊंगा। हम लोग अभी अंदर दर्शन करके आते हैं। ओल्ड गोवा चर्च विजिट करके हो गया, अभी हम लोग आ चुके हैं न्यू चर्च में। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ पे दर्शन करते एंड फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। तो फ्रेंड्स न्यू चर्च विजिट करके हो गया और अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे आप लोग बस की टाइमिंग्स जान सकते हो, कैसे आप लोगों को पता चलेगा कि कौन सी बस कहाँ जाती है। तो फ्रेंड्स गूगल मैप पे अगर आप लोग बस स्टॉप टाइप करोगे ना तो ऐसे ब्लू कलर के काफ़ी आइकन्स दिखेंगे, वहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि जो बस वहाँ पर आ रही है वो कौन से साइड जाएगी। जैसे आप लोग मडगांव से यहाँ आ रहे हो तो आप लोगों को इजीली आइडिया आ जाएगा कि आप लोगों को ये बस ये टाइमिंग पे मिल जाएगी। या फिर अगर आप लोगों को और भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग किसी लोकल से पूछ सकते हो कि बस स्टॉप कहाँ पर है, तो वो लोग आपको इजीली गाइड कर देंगे। बट लोकल से ही पूछना, टैक्सी ड्राइवर से मत पूछना, वरना वो लोग आपको बोलेंगे कि नहीं वहाँ बस नहीं जाती है एंड ऑल दैट, फिर आप लोगों को लूट लेंगे या फिर आप लोगों को एकदम हाई चार्ज बोलेंगे। इसलिए आप लोग किसी लोकल से पूछना। और अगर आप लोग किसी बस स्टॉप के पास हो या कोई बस मिल गए तो आप लोग उन बस वालों से डायरेक्ट पूछ सकते हो कि कौन सी बस आप लोगों के लिए बेस्ट है और सही टाइमिंग पे आपको पहुंचाएगी। या फिर अगर आप लोग बस स्टॉप पे हो तो आप लोग इजीली किसी कंडक्टर को या किसी ड्राइवर को पूछ सकते हो, वो लोग आपको इजीली गाइड कर देंगे। तो फ्रेंड्स अभी ओल्ड गोवा से हम लोग बस पकड़ रहे हैं पंजी के लिए। चलिए अब पंजी के लिए हम लोग रवाना होते हैं। ओके तो पहुँच चुके हैं अब पंजी बस स्टैंड। अब यहाँ से वो एसी वाली बस लेंगे और डायरेक्ट वापस मडगांव। तो फ्रेंड्स अभी मेरी बहन पूछने वाली है रेट चार्ट टैक्सी का, है ना, क्योंकि उसको टैक्सी प्रीफर करना है, अब वो लोकल ट्रैवलिंग नहीं करना चाहती। सो हम लोग जा रहे हैं पंजी के प्रीपेड टैक्सी काउंटर पे और वहाँ पे चेक करेंगे टैक्सी के रेट्स और आप लोगों को भी बताएंगे। तो फ्रेंड्स ये है प्रीपेड टैक्सी काउंटर, यहाँ से आप लोग टैक्सी बुक कर सकते हो।
और ये है टैक्सी के रेट्स। सो फ्रेंड्स, ये जो टैक्सी के रेट्स है वो अप्रूव्ड है बाय गवर्नमेंट ऑफ गोवा, और यहाँ से आपको कहीं भी जाने के लिए टैक्सी मिल जाएगी, बी इट बागा बीच, कलंगूड बीच, या फिर साउथ में अगर आप लोग जाओगे पालोलिम बीच, काबो दे रामा बीच, कहीं भी जाने के लिए आपको यहाँ से टैक्सी मिल जाएगी। आप लोग वीडियो पॉज करके टैक्सी के रेट्स चेक कर सकते हो। ये रेट्स हमेशा ऐसे ही रहते हैं, सीजन हो या ऑफ सीजन। तो ये सारे रेट्स थे, तो अब देखते हैं कि मेरी बहन क्या प्रिफर करती है, वरना हम लोग लोकल बस से जाएंगे। तो क्या डिसीजन लिया आपने? ऑब्वियसली हम लोग बस लेंगे, क्योंकि 50 रुपीस में हमारा काम हो रहा है। वरना यहाँ से अभी कितना ले रहे हैं वो लोग टैक्सी वाले? 1260 इज फॉर मरगांव, एंड वो भी सिर्फ चार लोग। वी विल सिट ऑन द शैक एंड एंजॉय आवर बियर्स रादर देन गोइंग बाय टैक्सी। कितने लोगों के लिए टैक्सी हो? टैक्सी होगी अराउंड 4 लोग मैक्स, और हम लोग 5। हाँ, तो ये चल के आएगी, है ना? यहाँ देखो कैसे लग रहा है आपको, शैक में बैठे क्या पर क्या पिएंगे? हम लोग बियर नहीं पिएंगे, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा। देखो बहन हो तो ऐसी, और तो अब चर्च विजिट करके हो गया, तो अभी हम लोग पी सकते हैं शाम को, है ना? तो आप लोग कितनी बियर पिएंगे आज? अनलिमिटेड, जब तक नींद नहीं आती। तो चलिए अब पिएंगे जिन एंड टॉनिक, वाइंस, सब कुछ चीप। तो अभी इस सेक्शन में आप लोगों को जाना है एसी बस के लिए। लास्ट में आप लोगों को एक टिकट काउंटर मिलेगा, वहाँ से एक टिकट खरीद के हम लोग जाएंगे सीधा मडगांव। और ये देखो, यहाँ पे आप लोगों को टाइमिंग वगैरह भी पता चल जाएगा अगर आप लोग बस स्टैंड पे हो तो। और ऐसे कंडक्टर्स भी चिल्लाते रहेंगे कि मापसा जाना है, मडगांव जाना है, कलंगूट जाना है, वो आप लोग देख सकते हो। तो ये है शटल सर्विस काउंटर, और यहाँ से टिकट खरीदने के बाद हम लोग को ये बस पकड़नी है यहाँ पे। जैसे मैंने बताया कि बस का टिकट है 50 रुपये, फर्स्ट बस आपको मिल जाएगी 6:15 और लास्ट बस है 8:30 रात के। तो उतर चुके हम लोग मडगांव बस स्टैंड में, और डैड अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? 20 रुपये में हम लोग पहुँच जाएंगे कोलवा बीच। आप लोग ने देखा कैसे मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके आज घुमाऊँ, तो आप लोग भी ये कर सकते हो। एंड अभी चलते कोलवा बीच और बहुत धमाल करते हैं। मार्केट कोलवा बीच। अब हम लोग जा रहे हैं कोलवा बीच। तो आप लोग देख सकते हो मडगांव से कोलवा जाने की बस एकदम चकाचौन है और फुल ऑफ लाइटिंग एंड म्यूजिक टू। 20 रुपीज में क्या बोल दिए सिमरन, 20 रुपीज में क्रूज जाने की जरूरत है आपको, है ना? कैसा लग रहा है आपको? वाओ, ये बस में हम लोग या क्रूज में? मिनी क्रूज। 20 रुपीज वाली क्रूज में फील आ जाता है। तो अब पहुंच चुके कोलवा बीच, इस बस ने हमें पहुंचा और काफी नचा के पहुंचा है। कैसा लगा आपको? ये अभी तक हंसी रही है, बहुत मजा आ रहा है सिमरन को, पूरे पैसे वसूल हुए ना, बहुत मजा आ गया। अभी भी गाना बज रहा है। अभी हम लोग कोलवा बीच पे आ चुके हैं और बहुत धमाल करने वाले, और सच बताओ ना यहाँ से अब डिस्को बस है, मजा ही आ गया। बिना पिए चढ़ गई। अब तो हम लोग बहुत पीने वाले, खूब बेड़ा खा लिया। तो ये लास्ट बस है 7:30 की। अभी यहाँ पे हम लोग 2 घंटा एंजॉय करेंगे, धमाल करेंगे, फिर कोई बस नहीं मिलने वाली, इसके लिए हम लोग टैक्सी लेंगे, और टैक्सी 500 रुपये ले लेगी और हम लोग को हम लोग के होटल पहुँचा देगी मडगांव। सो अभी एंजॉय करते हैं हम लोग कोलवा बीच पे। तो फ्रेंड्स, ये है कोलवा बीच का एंट्रेंस, और हम लोग यहाँ से अब जाने वाले कोलवा बीच की तरफ। तो अब शैक पे हम लोग बैठेंगे और आराम करेंगे, फुल रिलैक्स। ये है बेनिस प्लेस। वाह यार, वो ग्रिल स्पोर्ट्स बार। आ जाओ।
ये सब शैक्स पे खाना थोड़ा महंगा होता है और इतना टेस्टी भी नहीं होता, इसलिए आप लोग भी सिर्फ बियर या फिर स्टार्टर्स मंगाइए। तो अभी हम लोग डोमिनिक्स शैक में बैठ रहे और इससे पहले मैं लास्ट ईयर आया था तब मैंने यहाँ का वीडियो बनाया था कॉकटेल्स एंड ड्रीम्स का, बट अभी हम लोग डोमिनिक में बैठने वाले हैं। चलो यहाँ पे टाइम पास करते हैं। डैड माँ तो फ्रेंड्स देखा आप लोगों ने कैसे मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके मडगांव से मैं पहुंच गया बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च यानी कि ओल्ड गोवा। तो मडगांव से ओल्ड गोवा बहुत इजीली मैं पहुंच गया था। स्टेशन से मडगांव बस स्टैंड के हुए थे 10 रुपये, मडगांव बस स्टैंड से पंजी बस स्टैंड के हुए थे एसी बस के 50 रुपये और पंजिम बस स्टैंड से ओल्ड गोवा के हो जाते 20 रुपीज़। तो देखा आप लोगों ने इजीली मैं मडगांव से पहुंच गया सीधा ओल्ड गोवा, वो भी सिर्फ 80 रुपये के अंदर। तो है ना कमाल का। तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट एपिसोड में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे मडगांव स्टेशन से कार या फिर बाइक रेंट कर सकते हो और वो भी एकदम सस्ते में और रीजनेबल रेट में। सो फ्रेंड्स प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।